It's hard to breathe, but that's alright. Hush. जी हाँ भाई और की बहनों, स्वागत है पोकेमोन फायर स्टैंटोनियो एडवेंचर्स यानी इंडिगो लीग के एपिसोड नंबर सिक्स में फ्रेंड्स, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं अपने पोकेमोन को इवॉल्व और ये टीम वर्क ने जो किया है उसका भी काउंटमन करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दरवाजे से बाहर जाए इस पर सबसे पहले आपको बताऊं कि हम अभी इवॉल्व करने वाले अपने पक्षी पोकेमोन को, वरना मैं अगले भूल जाऊंगा कि मैंने इनको इवॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी इवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अभी सबको फुली इवॉल्व फुली डेवलप करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अभी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक इसलिए नहीं बज रहा क्योंकि फ्लो होने के कारण ऊपर से हमारे दो पोकेमोन डेड है यानी कि नॉन रिवाइव्ड है, तो हम उनको रिवाइव कर लेते हैं। पहले अपने मैक्स रिवाइव्स के कारण हम उनको पहले रिवाइव कर लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में सब कुछ खरीद कर रख दिया था तो अब काम में आएगा। वाटर वाटर रिवाइव हो चुका है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो। अब चार्मेंडर कर दो, चार्मेंडर भी तो फुली रिवाइव हो गया, तो हमें और भी हम रिवाइव्स की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम चार्मेंडर पर एक रेट दिख लाएंगे, जैसे उसने बड़े होकर मोटा ही तो बनना है, ये बात है। ये तीनों पोकेमोन बड़े होकर मोटे ही बनते हैं। चार्मेंडर अभी वो हो गए पर होने वाला है, पर वो उसने ड्रैगन रेंज अटैक सीख लिया। फ्रेंड्स, ड्रैगन रेंज अटैक ये बहुत अच्छा अटैक है, मैं इसको सिखा लेता हूँ अभी। लीड हटाकर ड्रैगन रेंज सिखा दिया फ्रेंड्स मैंने, और ये अब हो जाएगा इवॉल्व। और अब मुझे जाके लगेगा कि बैकग्राउंड साउंड आ गया पीछे से, जैसे कि आप देख रहे हो आ गई है। कॉन्ग्रेचुलेशन करने देने की कोई जरूरत थी हमें वैसे। स्टार्ट हो चुकी है कर सकते हैं।
उम्मीद है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं आईवी सर्जरी का विनर और इसे अवार्ड होने से पहले ये दो सबसे शानदार अटैक सीख चुका है जिसका नाम है स्लट बॉम एंड बेवरेज और ये अपने कहा काम कर और आप ये सीख रहे हैं पेडल ब्लिजर्ड जो एक बहुत अच्छा टैक्स है। अगर पेडल डांस सीख जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर फिर से प्लांट सीखेगा ना तो लाइफ चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स फ्रेंड्स प्लांट और सोलो भीम जैसा टैक्स में इसको सिखा कर आप पेडल डांस सीख रहे हैं पेडल डांस इसका हटा दूंगा सोलो भीम सिखा के रखूंगा। अगर फ्रेंड्स प्लांट अटैक सीखेगा तो फ्रेंड्स मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि फ्रेंड्स प्लांट या फिर तो फ्रेंड्स वेट इन द मोमेंट वन मोर टाइम A few moments later. अब देख रहे हो हमारा चार मिनट में वॉल्व होने लगा गोल 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 करते करते वॉल्व हो गया और चक्कर नहीं आएगा तो पास हो गया था और कुछ अटैक सीखे जो अच्छे थे। और जैसे कि आप देख रहे हो इसने फ्लेम थ्रोअर सीखा है ड्रैगन बॉल्स फ्लेम बॉल्स और उसका डैश स्लैश सिखाऊंगा और इसको बिंग अटैक सिखाऊंगा फ्रेंड्स ठीक है। फ्रेंड्स तो हम इसको बिंग अटैक सिखाएंगे बिंग अटैक सीखने के लिए हम इसको एयर स्लैश हटाएंगे। इतना अच्छा अच्छा अटैक सीख चुका है तो के बाद मैं आप सबको इन सबको 100 लेवल पर मिलूंगा तब तक के लिए वन मोर टाइम ब्रेक उसके बाद भी आपका एक और ब्रेक लेना पड़ेगा तो वो आखिरी ब्रेक होगा आपका तो फ्रेंड्स ये तुम्हें अब होगा ये ब्रेक। कैसे आप देख रहे हो बहुत बहुत लड़की बहुत बड़ा है हमें कब ब्रेक हम लोग ज्यादा ब्रेक ले रहे हैं और ये फ्लैश कैन अटैक सीख रहा है जो एक स्किल टाइप अटैक जो बहुत अच्छा अटैक है तो मैं अभी क्या करता हूँ मैं टारगेट बबल ही अब हम वेट करते हैं तब तक के लिए तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको सबको सर डेवलप करके और अच्छे अच्छे अटैक सिखा के मिलूंगा सबको सारे अच्छे अच्छे अटैक सिखा करेंगे बोलना नहीं चाहता तो हम इसी टाइप के ये सामने तो ग्रंट है फ्रेंड्स आज तो हम एस एस एम को कंप्लीट करके रहेंगे फ्रेंड्स शायद कुछ भी हो जाए हमारा टाइम हमें ज़्यादा क्यों ना हो जाए हाँ देख सकते तो हम कहीं और भी चेक कर सकते हैं तो चलो सीधा एक घंटे के रास्ते में
experience. चलो कैप्शन पीछे कैप्शन तुम लोग थको निकलो चलो हाँ चलते जल्दी से फ्रेंड्स हम बाहर पहुंच चुके हैं अब हम इस साइड बढ़ने वाले हैं ऊपर की तकरीबन मैं नहीं लेने जाता अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें आज कम से कम हम लेवेंडर टाउन तक तो पहुंच जाए और हमने S.Sance को कंप्लीट कर चुके हैं तो आगे अब हम करेंगे पता नहीं ये रूट कितना बड़ा है इसके क्या क्या तो एक चीज बताऊं हमने S.Sance को लेना बच्चों को खेल था अंक चीज के साथ करे तो ऊपर जानना है हमने की बच्चों 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 नहीं बचा फ्रेंड्स मैं तो गया मैं किया इसके चलते बहुत थकान दिखाया और हम इस स्टैंड को इंटरेस्ट भी हो चुके हैं हमने इसको रात दिया जिसका नाम है देव हिंदी गॉड नाम का लग रहा है
वैसे सर्दी की सर्दी से तो टोनर निकले हैं ना, वैसे हम कहते हैं ये भी नहीं कहते हैं ना, वैसे कहते हैं ये क्या है, ग्लिच था। फ्रेंड्स आज का गेम प्ले हम पोकेमॉन सेंटर में ही खत्म कर देंगे क्योंकि सारा टाइम हो गया गेम प्ले को आज, आपके तो ये कम टाइम लगे ऊपर मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ के पोकेमॉन सेंटर में ही आज के बाद जाऊँगा, कल मैं आपको अगला एपिसोड दूंगा। आज वैसे पर ट्यूजडे है पर ये एपिसोड आपको वेनेसडे में मिलेगा, तो अगला एपिसोड आपको थर्सडे में मिल सकता है फ्राइडे में। तो फ्रेंड्स फ्राइडे को पक्का देखना मैं पक्का यूट्यूब खोलना शाम के 5:30 बजे तक और देखना पोकेमॉन जर्नीज का एपिसोड नंबर 72 आएगा, तो देखना मत भूलना। इसे फ्राइडे को आएगा, मैं एक और बात कह दूं। तो फ्रेंड्स